हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो एक्स 90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन पर सिलेक्ट करना है। अब साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे सिलेक्ट करना है। मैसेज टोन का ये पेज ओपन होगा ना, तो इसमें आपका पहले से जो है म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से डिसेबल होगी। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको ये म्यूट के नीचे की साइड आपको काफी सारी मैसेज टोन दे रखी है, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे आपकी मैसेज टोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। आप चाहे तो ये सबसे ऊपर कस्टम रिंगटोन दे रखा ऑप्शन, इसे आप सेलेक्ट करके इसके अंदर भी आपको टोन दे रखी है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहां से भी आपकी मैसेज टोन सेटिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए ये वाला टोन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेटिंग इनेबल हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ये सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करेगी। जब भी आपके मोबाइल फोन पे मैसेज आएगा, मैसेज कौन सा, ये जो टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है ना, इस मैसेज ऐप का अगर मैसेज आएगा तो ही आपके मोबाइल फोन पे साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। इस तरीके का जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वही साउंड क्रिएट होगा जब भी मैसेज ऐप का कोई भी मैसेज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आपका व्हाट्सअप का आ गया, ठीक है, इंस्टाग्राम का आ गया तो आपका ये वाला साउंड क्रिएट होगा, ये मैसेज ऐप के लिए होती है सेटिंग सिर्फ, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है इनेबल होने के बाद। अब मैं आपको ये मैसेज टोन सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम मैसेज टोन, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।